कॉलोनी के पास स्थित वर्कशिप में खड़ी दो बसों में अचानक से आग लग गई, जिसमें एक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, जबकि पास खड़ी दूसरी बस आग की चपेट में आकर आधे से अधिक जल गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं रिहायशी इलाका होने के चलते बड़ी घटना भी घट सकती थी। दोनों बसें कौशल ट्रैवल्स की बताई जा रही हैं। बस संचालक श्याम कौशल ने बताया कि उनकी एक बस कबाड़ होकर पिछले 2 सालों से यही खड़ी है, जबकि पास खड़ी बस चालू हालत में है, किंतु कोरोना काल से वह भी खड़ी है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं लग पाई और इस आगजनी से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लग गई है, किस तरह की घटना हुई और कितना नुकसान हुआ है आपको? भैया, आग लगने का कारण अभी ये कैसा है कि छोटी मोटी चीज़ के कारण लगी है और कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो दोनों गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी रानी लगी हुई है, भाई बॉम्बे गाड़ी काला गाड़ी में, और एक गाड़ी मेरी डिस्पेंटल है, वो आपको दिख ही रहा है। डिस्पेंटल मतलब वो गाड़ी कोई काम की नहीं थी, गाड़ी मेरा लगभग ये मान के 10 से 15 लाख रुपये का। क्या इंश्योरेंस था गाड़ी का आपके? भैया आईफॉर्म लगी हुई थी, गाड़ी आईटी ऑफिस में देखना पड़ेगा, आई देखना पड़ेगा तभी इंश्योरेंस है या खत्म। भैया क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? भैया अब जो काम करने वाले मेरे मिस्त्री हैं वो तो काम कर ही रहे थे अपना शुक्रवार का दिन, कुछ लोग मतलब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने के लिए, शायद हो सकता है कोई छोटी मोटी, क्योंकि आग का तो यहाँ कोई काम ही नहीं था। किस उद्देश्य से लगी क्या लगी ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। फिलहाल ऐसी जानकारी मिली कि जो कटर मशीन लगी है, कटर मशीन गाड़ी नहीं, कटर मतलब ये होता है पुरानी गाड़ी है जिस पहले ही डिस्पेंडल हो चुकी, गाड़ी दिख रहा है आपको, उसमें ना पहिया है ना चेचिस है ना कुछ नहीं है, वो गाड़ी तो अलग ही पड़ी हुई है। कितने वर्कर्स काम कर रहे थे? दो मिस्त्री है मेरे, दो ड्राइवर हो गए। अच्छा, इस आगजनी की घटना में कोई हताहत हुआ? नहीं, कोई नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।